नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। दरअसल आज आप एक घंटे में देखेंगे देश के हर राज्य से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तो आज की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में अमित शाह की जनसभा में जम करके भीड़ उमड़ी। जबरदस्त जय श्री राम के नारे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार को एहसास करा दिया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार बीजेपी टीएमसी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के ठाकुरबाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में जय श्री राम बोलेंगे? मित्रों, ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगन भेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अमित शाह आज बेहद आक्रामक अंदाज में बंगाल में ममता सरकार पर बरस रहे थे। अमित शाह की ये चौथी चरण की परिवर्तन यात्रा है जिसमें उन्होंने दावा किया अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसकी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही किसानों के हक के पैसा देने पर मुहर लगा दी जाएगी। देश भर के किसानों को मोदी जी हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं, 6,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, पहली ही कैबिनेट में जो आपका 12,000 रुपया चला गया उसके समेत अगले साल का 6,000 रुपया 18,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता अमित शाह की पश्चिम बंगाल में ये चौथी परिवर्तन यात्रा है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सोनार बांग्ला के मिशन के लिए अमित शाह का ये दावा बंगाल में जय श्री राम के उद्घोष से बुलंद हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय श्री राम, जय जय। तो पश्चिम बंगाल में आज अमित शाह जमकर गर्जे और ममता बनर्जी पर निशाना साधा, जय श्री राम के नारों का उद्घोष भी हुआ पश्चिम बंगाल में आज। और चलिए अब आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अमित शाह की जय श्री राम नारे से टीएमसी नेताओं में बेचैनी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। श्री राम नारे का विरोध, टीएमसी के कई नेताओं की सलाह, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। टीएमसी को डर है जय श्री राम नारे पर पलटवार से नुकसान हो सकता है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हावी रहेगा जय श्री राम का नारा।
ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अमित शाह के जय श्री राम नारे से ममता सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से ये सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अमित शाह की खुली चुनौती, विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी 200 से ज्यादा सीटें, ये कहा अमित शाह ने। ममता के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी नेताओं के संपर्क में, सूत्र ये बता रहे हैं टीएमसी को तगड़ी चोट देने की तैयारी में इस बार बीजेपी है विधानसभा चुनाव से पहले। सूत्र ये भी बता रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल में झोंक दी अपनी पूरी ताकत, और उसी का एक नमूना, एक प्रदर्शन आज देखने को मिला सामने, जब यहां अमित शाह गरजे और जम करके नारेबाजी भी हुई, जय श्री राम के नारे लगे आज। और इस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विरोधियों से बुरी तरह से बौखलाई हुई हैं। आज कोलकाता में जब लेफ्ट की यूथ विंग के छात्रों और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला, तो ममता सरकार ने मार्च पर जमकर लाठियां चलवाई और वाटर कैनन से लेफ्ट के मार्च को तहस नहस करके रख दिया। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता का ये नजारा साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर ममता के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और ममता सरकार बौखलाकर अपने विरोधियों के ऊपर पुलिस और प्रशासन की ताकत का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वामपंथियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बजाई। पुलिस के इस कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। कोलकाता में लेफ्ट यूथ विंग ममता सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर कोलकाता में कोल स्ट्रीट से लेकर सचिवालय तक लेफ्ट पार्टी की यूथ विंग ने मार्च निकाला। रोकने के लिए ममता सरकार की पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल लेफ्ट के छात्रों पर किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है। बीजेपी पहले ही ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ममता सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं। ऐसे में लेफ्ट पार्टी ने जिस तरह से ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोला है, उससे ममता सरकार बौखला गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लेफ्ट की यूथ विंग के छात्रों और कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है और वाटर कैनन से जबरदस्त बौछार करके उनका मार्च रोकने की कोशिश कर रही है। लेफ्ट के नेताओं ने ममता सरकार के इस कार्रवाई को बेहद शर्मनाक बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। दरअसल लेफ्ट पार्टियों का 12 घंटे का बंगाल बंद बोला गया है पुलिस की कार्रवाई से। यहां पर लेफ्ट पार्टियों ने बंगाल बंद का आह्वान किया। पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल बंद बुलाया गया। कोलकाता में पुलिस से छात्र यूनियन की झड़प की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एसएफआई डीवाईएफआई कार्यकर्ता कर रहे थे मार्च और सचिवालय तक मार्च के दौरान ये लाठीचार्ज। बंगाल की ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप। लाठीचार्ज से भी जब स्थिति नहीं संभली तो वाटर कैनन का आज इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जब से दीप सिद्धू पुलिस की गिरफ्त में आया है, तब से हर दिन कुछ ऐसे राज बाहर आ रहे हैं जिन्हें देखकर और सुनकर पता चलता है कि दिल्ली में लाल किला कांड के पीछे कितनी गहरी साजिश थी। दीप सिद्धू से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लाल किला पर ट्रैक्टर मार्च की साजिश पहले रच ली गई थी। दीप सिद्धू ने बताया कि गणतंत्र दिवस से 15 दिन पहले साजिश रची गई थी।
किसान नेताओं से किसानों ने कहा था कि नई दिल्ली संसद और इंडिया गेट और लाल किला में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। दीप सिद्धू ने ये भी खुलासा किया कि उसे जान जाने का डर था। वो ये भी जानता था कि किसान नेता उसके सिर पर दिल्ली हिंसा का ठीकरा फोड़ देंगे। दीप सिद्धू को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो करनाल के एक ढाबे के पास किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। क्राइम ब्रांच को अंदेशा है कि वो बिहार के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। क्राइम ब्रांच दिल्ली हिंसा के आरोपी इकबाल से भी पूछताछ कर रही है। दीप सिद्धू और इकबाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। अभी इस मामले में और बड़े खुलासे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है इस खबर से संबंधित वो भी जान लीजिए आप। ये खबर दिल्ली हिंसा से संबंधित जुड़ी अब नई जानकारी सामने आ रही है। लाल किला हिंसा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और दिल्ली क्राइम ब्रांच दफ्तर में दीप सिद्धू से पूछताछ आज भी हुई, कल भी हुई थी। लाल किला हिंसा का वीडियो भी दिखाया गया। इसको वीडियो दिखाकर दीप से पूछताछ अब पुलिस कर रही है। बाकी उपद्रवियों की पहचान पुलिस करवा रही है। तो लगातार दीप सिद्धू की इन्वेस्टिगेशन में यही कोशिश की जा रही है कि जो जो लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे उन तक पहुंचा जा सके। पुलिस बाकी के उपद्रवियों की पहचान करवा रही है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कृषि कानून ने किसानों को बर्बाद किया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामा हुआ, बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाए। जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ देर के लिए रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन, जलस्तर कम होने के बाद फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द शुरू करेगी बंपर भर्तियां, दारोगा के 9,400 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक के 1900 पदों पर भी शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। कासगंज कांड के मुख्य आरोपी मोती धीमर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित, सिपाही की हत्या और दारोगा पर जानलेवा हमले का है मुख्य आरोपी। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है, ग्रेटर नोएडा में 25,000 रुपए के इनामी समेत 7 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए। नोएडा प्राधिकरण ने क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया, शहर में साफ सफाई के लिए 16 टीमों को मिली जिम्मेदारी, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी। पश्चिम बंगाल के हुगली में पाइप की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, आग से लाखों का नुकसान हुआ। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, लोन वराटू अभियान के तहत 13 और नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1,00,000 के 3 इनामी नक्सली भी शामिल। प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवासियों पर प्रशासन की पुष्प वर्षा, मौनी अमावस्या स्नान के मौके पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। तो चलिए, कांग्रेस अब देश में किसान आंदोलन और सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए तो प्रियंका वाड्रा अब मंदिर मंदिर जा रही है। मौनी अमावस्या पर तो प्रियंका ने गंगा स्नान भी किया। 2022 में होने वाले यूपी चुनावों से पहले कांग्रेस एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर निकल पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व शुरू किया है। तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां प्रियंका वाड्रा ने संगम में स्नान किया। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान के बाद प्रियंका वाड्रा नाव पर सवार हुई और चप्पू भी चलाया। प्रियंका वाड्रा ने काफी देर तक नाव में चप्पू चलाया और गंगा के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंची। संगम में स्नान के बाद प्रियंका वाड्रा मनकामेश्वर मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। दिल में मांगा, अपने दिल में रखूं। अच्छा, किस तरह का अनुभव था गंगा में संगम स्नान किया आपने? नहीं, आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ।
इसके पहले बुधवार को प्रियंका वाड्रा सहारनपुर में थी और वहां भी उन्होंने शाकंभरी देवी के दर्शन किए थे। पश्चिमी यूपी के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए प्रियंका ने किसानों का मुद्दा भी उठाया था और अब बीजेपी प्रियंका वाड्रा के किसान प्रेम पर सवाल उठा रही है। प्रियंका वाड्रा जो है सहारनपुर जाके किसानों के माध्यम से अपनी खोई हुई कांग्रेस की जमीन ढूंढ रही है, कंधा किसानों का ले रही है। अरे आपको इतनी किसानों से सहानुभूति है और इतनी नफरत है आपको जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर आई है किसानों के हित के लिए, तो कृपया करके आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है वहां पे आप एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं करते। सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी लिया था। तब राहुल गांधी ने कई मंदिरों में दर्शन किए थे। गुजरात चुनाव में भी राहुल मंदिर मंदिर घूम रहे थे और अब प्रियंका भी चप्पू चलाकर कांग्रेस की नैया पार लगाने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राहुल के रवैये से लोकसभा स्पीकर नाराज, राहुल ने सदन में 2 मिनट का रखवाया मौन। दरअसल स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की। स्पीकर ने कहा, सदन चलाने की जिम्मेदारी मेरी भाषण के बाद राहुल गांधी ने रखवाया था मौन, मृत किसानों के लिए राहुल ने ये मौन रखवाया था। तो देखिए सदन में स्पीकर की मर्जी के बिना ये सब कुछ हुआ और उन्हें जानकारी भी नहीं दी गई, राहुल गांधी ने मौन रखवा दिया। सदस्यगण प्लीज बैठिए मान्य, प्लीज बैठिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय तो मुझे लिख कर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं और देखिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अब शिष्टाचार भूल गई है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और राज्यपाल का अपमान भी अब करने लगी है उद्धव सरकार। देहरादून जाने के लिए राज्यपाल को सरकारी प्लेन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद राज्यपाल को कमर्शियल फ्लाइट से रवाना होना पड़ा। वहीं बीजेपी अब सरकार पर हमलावर हो गई है। शिष्टाचार भूले उद्धव ठाकरे, राज्यपाल का किया अपमान, नहीं उड़ने दिया सरकारी विमान। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार और सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे अब शिष्टाचार भूल गए हैं। वो राज्यपाल का सम्मान करना तक भूल चुके हैं और ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जब वो राज्यपाल का अपमान न करें। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चमोली में हुए हादसे का जायजा लेने उत्तराखंड रवाना होने वाले थे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार से उन्हें सरकारी विमान में सवार होने की इजाजत नहीं मिली। काफी देर तक परमिशन का इंतजार करने के बाद कोश्यारी सामान्य फ्लाइट से देहरादून के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के सचिव ने सीएम के दोनों सचिवों को कई बार फोन किया, लेकिन किसी ने भी विमान से जाने पर जवाब नहीं दिया। विमान परिचालन की इजाजत सीएम का सामान्य प्रशासन विभाग देता है और राज्यपाल के अपमान पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार को आड़े हाथों लिया है। चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक वो रिक्वेस्ट गई थी, जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। उधर शिवसेना बैकफुट पर आ गई है। संजय राउत कह रहे हैं कि पार्टी और सरकार राज्यपाल का सम्मान करती है, लेकिन सम्मान नजर नहीं आ रहा। ये सरकार और राजभवन का मामला है और मैं दोनों का भी हिस्सा नहीं हूँ। राज्यपाल महोदय हमारे आदरणीय नेता है, राज्य के प्रमुख है, हमारे गार्डियन है। अब क्या हो गया मालूम नहीं, सरकार तो नियम और कानून से काम करने वाली सरकार है महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे साहब तो कभी सूड़ भावना से काम नहीं करते, सबको मालूम है। राज्यपाल कोश्यारी और सरकार के बीच रिश्तों में खटास लंबे वक्त से बरकरार है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि बदला लेने की भावना रखने वाली उद्धव ठाकरे सरकार मर्यादाओं को तार तार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ठाकरे सरकार रीति रिवाजों और परंपराओं पर हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यपाल के अपमान मामले में उद्धव सरकार की सफाई सामने आई है। राजभवन के अधिकारी की चूक बता रही है महाराष्ट्र सरकार से। राज्यपाल कोश्यारी को सरकारी प्लेन नहीं मिली थी इजाजत उनको, और सरकार ने कहा कि प्लेन के लिए आवेदन नहीं दिया गया था। तो ये बात महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले पर अपनी सफाई में कह रही है। ईद की आय को लेकर अलवर में लोगों ने पूछे तीखे सवाल। तो नाराज लोगों ने यहाँ टिकैत से उनकी संपत्ति को लेकर के सवाल कर दिया। यही वो किसान नेता जो ये दम भरते हैं कि लोग उनके साथ, और लोगों ने टिकैत को घेरा। राकेश टिकैत से सवाल कर दिया संपत्ति को लेकर के, पूरा ब्यौरा मांग लिया लोगों ने। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर की मजबूत नींव के लिए खुदाई का काम जोर शोर से जारी है, लेकिन राम मंदिर के लिए दुनिया भर से दान भी इस वक्त आ रहा है। मंदिर के हर काम का बारीकी से निरीक्षण भी किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए आप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही है। जिस जगह पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया था, वहां 5 मीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। मंदिर निर्माण के लिए पूरब से पश्चिम तक 400 फीट खुदाई की जा रही है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ 250 फीट खुदाई का काम जारी है। जहां प्रधानमंत्री महोदय ने पूजन किया था, मेरे अंदाज से 5 मीटर का अर्थ होता है 5 या 15, 16 फीट, 17 फीट तक डेब्रिस हट गया है। 400 फीट पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, 250 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर इतना हटाएंगे। इतना इसलिए हटाना पड़ेगा कि व्हीकल का मूवमेंट भी देना है ना। राम मंदिर और उसके आसपास की जमीन को विकसित करने के लिए कई नए अनुबंध भी किए जा रहे हैं। निर्माण कार्यों में वास्तु का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देश भर से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी पहुंच रहा है। अनुमान है कि अब तक 1,000 करोड़ से ज्यादा का फंड मंदिर के लिए इकट्ठा हो चुका है। हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम मंदिर को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जा रहा है। किसी काम में कमी ना रहे, इसके लिए चंपत राय खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चमोली से यह खबर सामने आ रही है, जहां टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया है। और अलकनंदा नदी के जलस्तर पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि तपोवन में आज टनल से पानी निकलने लगा है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। दरअसल यहां तपोवन में ड्रोन की मदद से अब निगरानी भी की जा रही है, नदी के जलस्तर की निगरानी। और ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद रोक दिया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन। एनटीपीसी की ये टनल में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश अब भी जारी। 7 फरवरी की तबाही के बाद से ही फंसे हैं यहां 35 लोग। जद्दोजहद जारी है यहां पे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए अब ये सहायता ली जा रही है अंदर टनल में। लेकिन अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, जो अब फिर शुरू हो चुका है। और अब एक नजर राज्य की 10 बड़ी खबरों पर। लाल किला हिंसा के आरोपियों को आमने सामने बिठा करके क्राइम ब्रांच की पूछताछ दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से जांच लगातार जारी है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका को कोलकाता हाईकोर्ट ने किया खारिज। कहा याचिका को कोर्ट ने राजनीति से प्रेरित बताया। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उनसे मिली गांव गरीब के विकास की प्रेरणा। हाथरस केस में 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एससी कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण याचिका खारिज। राजस्थान दौरे पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन। सालासर हनुमान मंदिर में दर्शन भी किया, गौशाला में गायों को भोजन कराया। दौसा में बेखौफ हुए बदमाश, हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गढ़वा में मिट्टी का चाल धंसने से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। मृतकों में 2 लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। चतरा में महिला का सर कटा मिला शव, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। घटना के बाद से फरार है आरोपी पति, पुलिस कर रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा मुख्यमंत्री की कठपुतली बने चुनाव आयोग।
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR। और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दबंगों ने महिला के बुरी तरीके से आज पिटाई की है। बीच सड़क पर महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन दबंग लात घूसों से उसकी पिटाई करते रहे। महिला के बच्चों की भी बुरी तरह पिटाई की गई। महिला चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन दबंग नहीं डरे। दबंगों का खौफ ऐसा कि महिला की मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आया। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर की, जहां बीच सड़क पर महिला के साथ मारपीट की गई। महिला के पति को पीटने के लिए दबंग पहुंचे थे। जब महिला ने बीच बचाव की कोशिश की तो उसे भी बुरी तरह पीटा गया। लातों से महिला की पिटाई की गई, बच्चों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक दबंग परिवार को पीटते रहे, लेकिन ना तो मदद के लिए कोई मसीहा पहुंचा और ना ही बीच चौराहे पर होती इस मारपीट की भनक पुलिस वाले को लगी। हर बार की तरह वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और दबंगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो व्यक्ति है मंगल और राजपाल, ये दोनों टैक्सी चालक हैं। ये ललितपुर से पाली के बीच में जो टैक्सी है व्हीकल उसको चलाते थे। इनका विवाद ललितपुर में सवारी को बिठाने के लिए हुआ था। यहाँ पे फिर जब ये पाली पहुंचे वहाँ पे इनके विवाद में ही अपने घर वाले भी ऐड हो गए। उसी में जो ये राजपाल यादव है इसकी तरफ से कई लोग आए और महिला को उसमें पीटा गया है, तो उसकी तरफ से उनकी तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी जितने भी घायल उनका मेडिकल कराया गया है। इसमें दो व्यक्ति अरेस्ट भी हो गए हैं और भी जो लोग नाम प्रकाश में जिनके आ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आवश्यक विधि कार्रवाई की गई। बुंदेलखंड के शहर ललितपुर में बस स्टैंड के सामने बवाल होता रहा और अब पुलिस सख्त कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी के मेरठ में आग का तांडव, लकड़ी गोदाम में भीषण आग। तो यूपी के मेरठ से यह खबर सामने आ रही है, जहां लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। दमकल कर्मियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। लकड़ी का यह गोदाम था, जहां की तस्वीरें देख लीजिए, लपटें कितनी तेज उठ रही हैं और इस गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में यह हादसा हुआ है। तो दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। यूपी के मेरठ से यह तस्वीर। और देश में ड्रग्स लाने की कोशिशों को यहां BSF के जवानों ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब पाकिस्तान से ड्रग्स भारत में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से स्मगलर पकड़ा गया। अमृतसर में भारत के जाबाज सीमा प्रहरियों को बड़ी सफलता मिली। पाकिस्तान के ड्रग्स सप्लायर से डील करने पहुंचे स्मगलरों की भनक BSF के जवानों को लगी और आनन फानन में कार्रवाई करते हुए ड्रग्स स्मगलर को पकड़ लिया गया। अटारी बॉर्डर के पास BOP कानगढ़ में ड्रग्स डील होने वाली थी। BSF ने अवैध आवाजाही नोटिस की और स्मगलरों को सरेंडर करने के लिए कहा। BSF को देखते दोनों तरफ से स्मगलर भागने लगे, जिसके बाद BSF को फायरिंग करनी पड़ी। BSF की फायरिंग में एक ड्रग्स स्मगलर को गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया, जबकि उसके साथी फरार हो गए। पकड़े गए ड्रग्स स्मगलर को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी सर्जरी की गई। BSF के फायरिंग में पाकिस्तान के ड्रग्स सप्लायर को भी गोली लगने की खबर है। फिलहाल BSF और स्थानीय पुलिस मिलकर पता लगा रही है कि इस स्मगलिंग में कितने लोग शामिल थे और हेरोइन को किसे डिलीवर किया जाना था। सुरक्षा बलों की चतुराई ने एक बड़ी खेप को भारत में पहुंचने से रोक दिया। बताया ये जा रहा है कि पकड़े गए मनदीप सिंह की सुरक्षा बलों और पुलिस को लंबे समय से तलाश थी और वो कई बार पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स पहुंचा चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में 6 खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हैं ये सभी लोग। दरअसल NIA ने 6 खालिस्तानियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की है और ये SS सिख फॉर जस्टिस, ये संगठन जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां 6 खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है और NIA ने इन 6 खालिस्तानियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की है।
और प्याज एक बार फिर दिल्ली वालों को रुलाने की तैयारी कर रहा है। एक हफ्ते में ही प्याज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और प्याज की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं। एक बार फिर प्याज दिल्ली की जनता के आंसू निकालने के लिए तैयार है। प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे थाली का जायका खराब होना तय है। बीते एक सप्ताह में ही प्याज के थोक दामों में 10 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हो चुकी है और मंडी में ही प्याज 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। देखिए, प्याज के बढ़ते हुए दाम हमेशा से आम जनता के लिए एक बड़ी मुसीबत रहे हैं। इस वक्त गाजीपुर मंडी में मैं हूँ और यहाँ पर प्याज के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। मंडी में आमतौर पर प्याज का दाम 30 से 35 रुपए रहता है, मगर इस वक्त अगर दाम की मैं बात करूँ तो प्याज का दाम मंडी में 40 से 45 पहुँच गया है। और 5 महीने की मासूम सी बच्ची तीरा मुंबई के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। 22 करोड़ के इंजेक्शन से ही उसकी जान बचाई जा सकती है। अब बच्चे की मदद के लिए पीएम मोदी भी आगे आए हैं। पांच महीने की इस मासूम बच्ची तीरा को देखिए, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस बच्ची की जान तभी बच सकती है जब इसे 22 करोड़ की कीमत वाला एक इंजेक्शन लगाएं। ये खास इंजेक्शन अमेरिका से आएगा, लेकिन बच्ची के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो 22 करोड़ रुपए जुटा पाएं। लेकिन जब पीएम मोदी इस बच्ची की मदद के लिए आगे आए हैं, अब 22 करोड़ की कीमत वाला इंजेक्शन 16 करोड़ में मिल जाएगा, जिससे तीरा की जान बचाई जा सकेगी। पीएम मोदी ने इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया है। खबर के मुताबिक 5 साल की तीरा स्पाइनर मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी से जूझ रही है। इस बीमारी में मांसपेशियां और तंत्रिकाएं खत्म होने लगती हैं। दिमाग की मांसपेशियों की एक्टिविटी भी कम होने लगती है। चूंकि मस्तिष्क से सभी मांसपेशियां संचालित होती हैं, इसलिए सांस लेना और भोजन चबाने तक में दिक्कत होने लगती है। तीरा मुंबई के SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती है और फिलहाल वेंटिलेटर पर है। बच्ची तीरा तभी जिंदगी की जंग लड़ सकती है जब इसे अमेरिका से आने वाला खास इंजेक्शन लगाया जाए। इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है, जिस पर टैक्स लगने के बाद अमेरिका से आने वाले इंजेक्शन की कीमत 22 करोड़ हो जाती है। लेकिन पीएम मोदी ने 6 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया, जिससे इंजेक्शन अब 16 करोड़ में मिल जाएगा। तीरा के परिवार ने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाकर क्राउड फंडिंग के जरिए 16 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ताकि 5 महीने की बच्ची तीरा की जिंदगी को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस मासूम सी नन्ही परी को बचाने की जद्दोजहद में तमाम वो लोग भी लगे हैं और सरकार ने भी पहल की है। बिल्कुल, और सब यही दुआ कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ।